हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ ये चाट, थोड़े से काले चने, वाइट चने जो हमने सुबह बनाए थे ना, और एक आलू वो बचा करके रखा हुआ था चाट के लिए। तो इसमें फिर खूब सारा प्याज और टमाटर डाल दिए, थोड़े से डाल दिए मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च और नींबू का रस। तो फिर बस इससे बन जाएगी बहुत ही अच्छी सी चाट, जैसे बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। चाट बनी है ना, बाई गॉड इतनी अल्टीमेट चाट है ना। ये नींबू का रस है, हर कुछ है। मैंने तो अलग से थोड़े से मिक्स मसाला डाला था थोड़ा सा, ये बच्चे नहीं खाते हैं। मिर्ची अल्टीमेट यार, मिर्ची कैसी है? मिर्ची भी अल्टीमेट है। कम ही डाली थी मैंने, लाल मिर्च खत्म हो रही थी हमारी। हाँ, लाल मिर्च वैसे कम खाना चाहिए, बीपी बढ़ता है उससे। पर हरी डाली है मैंने। हरी खाना चाहिए। ये देखिए, तो अभी शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम में मौसम काफ़ी बढ़िया होता है, ठंडे वाला मौसम हो गया है। और ओ अरे बाबा रे, तो फैन लगाया हुआ है, क्या बात है रे। हमने लगाया हुआ है पराठा, पराठे में यहाँ पे ठंड है। तो अभी ना मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी तो आप ही बोलिए। नहीं, आवाज़ पहुंच रही है यार, बोल तो सही। ऐसा कुछ नहीं है, बोल एक जोर से बोल थोड़ा सा। जोर से ऐसा बोल रही हूँ ना मैं कि अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, पर मतलब यहाँ थोड़े मच्छर यहाँ भी हो जाते हैं। देखो मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए, जैसे ये काफ़ी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। तो ये लगाया था हमने मेन, मच्छर बाहर बहुत हो जाते हैं ना क्योंकि हरियाली है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना नेचर में बैठने का ना बहुत ही आनंद आता है। यहाँ देखो, यहाँ जैसे लेके आओ ना कैमरा, जैसे मैं भी बैठी हूँ और ये दिखाई दे, ये पहाड़ी में ये कितना मजा देखो, आता है ना, मतलब बैठने ये का दिल देखो, करता है भी यहीं पे बैठे रहे। तो रात को भी खा पी करके हम यहाँ बैठ जाया करेंगे आज कल। अच्छा पहाड़ियां देख रही है, क्या बात अरे है रोज देखती रहती हूँ यार। मैं ये देखो क्या खतरनाक पहाड़ियां हैं यार। भैया कपड़े उठा लेती हूँ ना, उठा ले यार, नहीं उठा नहीं ले उठाने नहीं तो किसी ने। ओ देखो मेरे उठा ले, उठा ले कपड़े यार। मैं भी जरा खाने का मीनू बनाया जाता है, क्या बनाना है रात को, शाम को फिर बनाया जाए यार, हैं? क्या बनाया जाए। देखते हैं क्या बनाया जाए, कल देखते हैं, कहीं जरा 2 दिन की छुट्टी है तो घूम फिर के आते हैं, देखते हैं जरा क्या घूमना फिरना तो सही है, पर ये बताइए आप कि अभी के लिए क्या खाएंगे, अभी क्या देखते हैं। बनाएंगे। क्या नाम, बाजार जाके पता चलेगा कि कौन सी सब्जी है, क्या है क्या नहीं अरे है। हम एक ऐसे प्लेस जाते हैं जो कभी किसी ने यहाँ यूट्यूब पे देखा ना हो, हमने भी ना देखा हो और हमारे ही नियर बाई हो कहीं। नहीं, हाँ वही 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 नियर बाई तो क्या बट 3-4 घंटे तो होगा ये सफर। वही ना, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। और चलो देखते हैं सुबह तक आपका मन ना बदल जाए ना, इसलिए नहीं मैंने नहीं ये वीडियो में ही बोल डाला। मेरा नहीं बदलता यार, ठीक है फिर ना, ठीक वो है। अभी अभी वंदना कर रही है बर्तन साफ, खाना खुना खाने के बाद में, अब पता क्या था, खाना खाने के बाद ही बर्तन साफ करने चाहिए। अब खाना चलो खाने से पहले कैसे करेंगे, वही बात है ना, जब गंदे नहीं हो होंगे बर्तन। बर्तन हो गए साफ, इसके बाद फिर मैं किचन भी अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। और ये जो रूटीन होता है ना, हर लेडीज का इसी तरह से रूटीन होता है। कल मैं चलते चलते आपके कमेंट्स पढ़ रही, जो कल वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें एक या दो कमेंट्स, क्योंकि ऐसी मेंटेलिटी वाले हार्डली इतने ही लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड अपने वाइफ की मदद करते हैं ना तो वाइफ उनकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि उनके कमेंट्स का साफ साफ भाव यही था। वर्ड्स भी थे कुछ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मतलब अगर घर के कामों में पुरुष हेल्प करवा रहे हैं तो लेडीज़ उनकी इज्जत नहीं करती है, तब उनसे काम करवा रही है। वाह क्या सोच है, मतलब क्या रिजल्ट निकाला है हस्बैंड की वाइफ की मदद कराने का, अगर इनकी तरह सबकी सोच होने लगी ना तो। मैं तो बोलती हूँ कि हस्बैंड लोग अपनी वाइफ की ना मदद करना ही छोड़ देंगे। चलिए पर मैं अपनी बात बताऊँ ना, हमारे इधर क्या होता है कि मैंने घर में भी अपने पापा को देखा, बचपन से ही वो सब्जी बनाते थे, मम्मी फटाफट रोटी बना देती थी, मतलब जितना पॉसिबल होता था उनसे मम्मा की हेल्प करवाते थे। और यही नेचर मेरे हस्बैंड का भी है, और हमारे हिमाचल में मैक्सिमम जेंट्स लोगों का यही नेचर रहता है और अच्छा है। और रही बात थोड़ा बहुत हंसी मजाक की, अगर हम अपने हस्बैंड से हंसी मजाक नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसियों से करेंगे। तो जी जनाब ना गैरों के साथ होता है, उनके साथ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, लेकिन घर वालों के साथ सिर्फ प्रेम प्यार चलता हेलो है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, आज सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, तो बच्चों की है छुट्टी। और अभी अच्छी खासी धूप लग चुकी है और यहाँ पे सुबह सुबह लग पड़ा है साफ़ सफाई वाला काम। ये देख सकते हो आप, ये ज़रा फिल्टर की साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं बना रहा हूँ किचन में दाल, पीली वाली दाल, क्योंकि
हफ्ता हो गया है दाल खाए हुए, तो मैंने कहा है यार आज दाल खाते हैं। और अभी भी मैं मार्केट गया था, ये ऑयल लेके आया हूँ, साथ में ये लाल मिर्च लेके आया हूँ, और ये वाली दाल अभी बनने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुकर रख दिया है, और कुकर के साथ तो अब मैं गैस को बुलाने वाला हूँ। और ये दो प्याज भी रख दिए हैं मैंने, दो प्याज और एक टमाटर यूज़ करने वाला हूँ। और अच्छी सी आज दाल बनाऊंगा, ताकि चपातियों के साथ बनाई जाएगी। चावल आज नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि चावल रोज रोज अच्छे नहीं होते हैं, तो चपाती और दाल बनाई जाएगी। और मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ मैं आज पहाड़ी स्टाइल में दाल। ऑयल डाल दिया है मैंने, ऑयल के बाद ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, उसके बाद ये जीरा डाल दिया है मैंने। जीरे के बाद अब ये डाल दिए मैंने प्याज, प्याज गल गए हैं थोड़े पकने के बाद प्याज को, उसके बाद फिर डालूँगा मसाला टमाटर, वो भी जो टमाटर डाल दिए मैंने, तो थोड़ी देर उनको मैं होने दूँगा। और अब मैं डालूँगा मसाला, तो मसाले में सबसे पहले ये है हल्दी है, हल्दी के बाद ये है थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये मिक्स मसाला है, और ये घर पे बनाया गया मसाला है, ये भी थोड़ा थोड़ा डाल दूँगा मैं। और उसके बाद एक चम्मच में इसमें नमक की डाल दूँगा। ठीक है, और अभी मैंने मिर्च नहीं डाली हुई है, तो ये हल्की सी मिर्च डाल दूँगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ है ये। और उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं चलाऊँगा, और ये मेरा ग्रेवी तैयार हो गई है। इसके बाद मैं अब डालूँगा दाल, ये देख सकते हो आप, ये बन गया है मेरा तड़का बढ़िया वाला। तो इसके बाद मैं ये डाल दूँगा दाल, और बस अब थोड़ा सा पानी डालूँगा। दाल इन्होंने बना दी, तब तक मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली, थोड़ी देर बच्चों को भी पढ़ाया, और बाकी के जो मेरे काम थे वो भी किया। दूसरे चैनल के लिए मुझे वीडियो बनाना होता है, तो वो भी मैंने बनाया, और सारा कुछ मतलब तब तक ख़त्म हो गया। और हो जाता है मतलब इसी तरह से फैमिली में ना एक दूसरे का हाथ बंटाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत होता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो दिखता भी नहीं है कि अच्छा, उनको तो बस नेगेटिव ही लिखना होता है, तो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि हमारे घर में कितना काम होता है, क्या करना होता है, और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कराते हैं, और यही ज़रूरी होता है। बाकी दुनिया ने क्या बोलना है, क्या समझना है, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझते हैं, और उनको भी पता है कि मैं पूरा दिन भर क्या क्या करती हूँ, तो इसलिए वो भी मेरी पूरी पूरी हेल्प कराते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक्चुअली आज का हमारा था प्रोग्राम घूमने का, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हो गए कि हमने वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं है, आप हर बार प्लान बनाते हो लेकिन जाते कभी भी नहीं हो। नहीं, पता क्या होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे, कल है संडे, छुट्टी तो है, बच्चों को भी हमने घुमा लेना था साथ में, एक का दिन आउटिंग हो जानी थी, लेकिन क्या करना है भाई, कोई ना कोई रीज़न होता है ना करने का। ठीक है, ऐसे तो अभी तो आप भी अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं यार, कहीं आपने सपोज करो कि क्या रीज़न था, चलिए शॉर्ट में ये बता दीजिए रीज़न। अब बताइए यार, देखो पता क्या रीज़न ये था ना, जाने के लिए तो हम एग्री थे, ठीक है, पर थोड़ी बात ऐसे घूम गई कि किसी का फोन वगैरह आया मुझे, ठीक है, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैं उस चक्कर में सोचने में पड़ गया, क्योंकि बात ऐसी थी, उन्होंने बोला कि जो ये मेरे तो सपनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये जो मेरे सपनों का घर है, ठीक है, जो बनाया है, फिर उसके बारे में उससे डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि यार इसको आप भेज दो और एक चंडीगढ़ में अच्छा सा एक फ्लैट ले लो। फिर 2 मिनट में मुझे तो एकदम गुस्सा, मैंने यार बोल क्या रहे हो आप, फिर उसने जो समझाया ना मुझे, तो वो जो उसने समझाया उसकी बातों जो बातें उसने बोली ना, तो
तो उसकी बातें सुनकर मतलब कि मैं एकदम टोटली पूरा घूम गया घूम गया। मैंने कहा यार बंदा ठीक बोल रहा है, ये घूमना छोड़ो भी पहले घूम लेते हैं घर, पहले घूम लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्योंकि अब सपनों का घर है, अब यार ये थोड़ा सा बेच देना चाहिए, बेच देना नहीं वो तो सही बात है, ये थोड़ा सा पीछे पड़ गया। पीछे इन द सेंस देखो, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, कल को हायर एजुकेशन के लिए बाहर तो पढ़ना पड़ता है चंडीगढ़ वगैरह में, ठीक है, काफी कोचिंग सेंटर होते हैं, हर चीज होती है। तो बाहर मैं वही सोच रहा हूँ कि यार इसको जो भी है इसको यहाँ से बेच वोच के सब कुछ ना, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज किया, आपको फ्रेंकली बताऊं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ, सच्ची बात बताऊं मैं, मैंने बहुत एनालाइज किया कि यार यहाँ पे ना भाई कोई किसी का नहीं है, अच्छा ठीक है, इससे बढ़िया इसको बेच वूच के अलग सी जगह रहो, आराम से यार बिंदास होके, ना टेंशन ना कोई कुछ, चिल मारो। या तो कोई भी, मैंने देखा ना कोई, सिर्फ जो हमारा परिवार है ना उसको छोड़ के भैया कोई भी, कल को कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए कि कोई किसी का एक काम के लिए नहीं आते हैं यार, ठीक है। तो जब यहाँ इतना बड़ा यार, इतने बड़े रिलेशन है, रिलेटिव है, हर बंदे हैं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई चूमना नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, बस। तो इससे बढ़िया तो यार और भी फ्रेंड है मेरे, वो भी चंडीगढ़ में सेटल हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, घर घूर का जो भी एक घर में घर घूर उन्होंने पूरा सेटल किया, बेचा बूचा, और जब पुस्तानी हाँ हाँ, और बच्चों को आराम से चंडीगढ़ लगाया हुआ है, आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी आपके फ्रेंड ने भी तो उसने काफी बड़ा मकान बनाया, हाँ बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है, और आराम से रेंट रूम के साथ में, हाँ हाँ रेंट पे चढ़ा रखा है खुद, आराम से यार, कोई टेंशन नहीं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलो हमारी अलग थी, हमारे उस टाइम का हर चीज ही अलग थी, चलो फिर भी हमने बीटेक किया, एमटेक किया, हर चीज किया, लेकिन जो आज आने वाले टाइम में ना, अब हर घर में बीटेक एमटेक हो गए हैं, बीएड हो गए, एमएससी होगी, बहुत ज्यादा आपको फ्रेंकली बताओ कंपटीशन बहुत है। हाँ तो आज की डेट में बंदा जो चंट होगा, मतलब एक्टिव होगा, ब्रिलियंट होगा ना, जो क्रीम स्टूडेंट ही आगे पहुंचेगा, और ये है कि हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मैक्सिमम बंदे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे वो ये नहीं सोचते हैं कि यार कितनी पेमेंट होगी, कितना होगा, उनको एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, चिल मारते हैं आराम से, सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे आएंगे, कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि चलो बच्चे हैं यार, अभी छोटे हैं, बेस है अभी, अभी इनका अच्छा बेस बनेगा तो आगे के लिए अच्छी, मतलब कि अच्छी जॉब्स मिलेगी, ठीक है। तो मेरी तो वही सोच का मतलब ये है कि भाई हमारी तो कट गई, लेकिन अगलों की काटने के लिए शुरू से सोचना पड़ेगा, अगर बाद में फिर एक टाइम बीतने के बाद सोचने लगेंगे तो कंपटीशन बहुत हो जाएगा, वही वही। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अभी माइंड में, तो देखते हैं क्या बनता है, बाकी नहीं, नहीं, मेरे आप तो भी अपने विचार बताइएगा, आप पक्का कमेंट में जरूर मेंशन करना। मेरा तो देखो 90% तो मेरा बन ही गया है ना, ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, अब हर चीज में समझ सकते हो आप। तो फिर चलो, फिर आज के लिए इतना ही ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या पता 2-3 दिन के बाद घूमने का टूर बन गया, तो पक्का जो इसको मैंने बोला वो तो करना ही करना है, इतनी कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस अभी फिलहाल इतना ही काफी है। चलो ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, आजकल ना जो शनिदेव के थोड़े ग्रह चले हुए हैं तभी इसको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, तो मैं इसलिए तो ज्यादा चुप रह रही हूँ ना, आप बोले और हम थोड़ा चुप रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना, कैमरा होता है तो ये लाइव चला होता है, बाहर भी मैं ना एक्चुअली ज्यादा बोलने से ना सिर में दर्द लगती है, थोड़ा सा उच्चे बोलोगे ना तो फिर तो मेरे को ना थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी पीछे जैसे काफी टाइम पहले, लेकिन अभी मैं शांत रहती हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ ना, तो मेरे को मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं वही बात। और ये चीज मैंने बड़ी नोटिस की, जब आप ज्यादा बोलोगे उच्चे बोलोगे तो सर में दर्द पक्का होती है। अब देखो एक बात और है, जो मेरे गले में सोने की चेन थी अब मैं पहनता ही नहीं हूँ यार उसको, वो तोड़ बना तो दिए पर अब मैंने तोड़ी थी, इन्होंने खुद दिया, जैसे मतलब ना जो चेन सोने की है ना इनकी, वो ना ऐसे ऐसे कुंडू लगा करके बनी हुई है ना, तो कभी भी थोड़ा सा भी फोर्स से मतलब उसको पकड़ते हैं ना तो निकल आती है, सच बात बोले तो वही है कि भाई अब ठीक ठाक 5-10 तोले की डालिए ना, फिर वो नहीं टूटेगी, तो ये खुद ही मतलब लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने, 5-10 तोलों की डालने के लिए आप लोगों का प्यार भी तो चाहिए, आशीर्वाद भी तो चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही ना, ओके बाय, थैंक यू।